अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सूरन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी, जो कि खाने में अमेजिंग है। स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने इसको इस तरीके से एक बार बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो सूरन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है आधा केजी सूरन, और हाथों में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है सिर्फ सेफ्टी के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे साइज़ का होता है देसी सूरन, वो हाथों में खुजली करता है, इसलिए हम सेफ्टी के लिए लगा लिए हैं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं करता, ये जो है ये मार्केट से हमने लाया, ये बिल्कुल भी खुजली वगैरह नहीं करता है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए लगा लिए हैं ताकि हाथों में खुजली ना हो। तो इसको हम पतला पतला क्यूब में कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से सारा जब कट जाए इसको अच्छे से धुल लेंगे, और धुलने के बाद थोड़े से पानी में ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता और नमक, इसको ढक कर बॉयल करेंगे, मतलब उबालेंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि ज़्यादा गले ना। ये अभी गला नहीं, इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने लिया है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, और हमने 1 जावित्री का फूल लिया है, मतलब टुकड़ा, हाफ से कम, 1 छोटा जायफल, बहुत ज़्यादा ही छोटा जायफल का टुकड़ा, और 1 बड़े साइज़ के लहसुन को हमने छील लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हमने छील कर काट लिया। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे तेल। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम इसमें सूरन को फ्राई करेंगे, उबले हुए सूरन को फ्राई करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ कर सकती हैं जिसमें कि ये डूब जाए, और इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से तेल में इसको सिर्फ मतलब फ्राई कर रहे हैं। आप लोग देख सकती हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इस प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मतलब 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, और 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि हमने बीच में भी नमक ऐड किया था उबालते टाइम, और इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मसाले को लगातार चलाते हुए भूनना है। जब मसाला अच्छे से भून जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे सूरन को, तले हुए सूरन को ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, हमने लगभग यहाँ पर 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 आम का अचार। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हम आम के अचार का यूज़ कर, 1 आम के अचार को हम तोड़कर इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम पर पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
हमारी सब्ज़ी को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।